गैलीलियो के चेले टॉर्सिली ने विज्ञान की दुनिया में किया बहुत बड़ा धमाका। जो लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं उन्होंने 760 mm मरकरी कॉलम का नाम जरूर सुना होगा। कहां से आया ये और क्या था पास्कल पहाड़ और टॉर्सिली के जुगाड़ में रिश्ता? तो महान वैज्ञानिक गैलीलियो के चेले टॉर्सिली ने भर डाला ट्यूब में मरकरी, उसके ऊपर लगाकर कैप और करके उसे उल्टा डाला एक बर्तन में जो पहले से ही भरा था मरकरी से। अब कैप हटाते ही ट्यूब के अंदर मरकरी अपने ही वजन से सिकुड़ गया और बन गया ट्यूब के ऊपर वैक्यूम कॉलम। और जब नापा इस वैक्यूम कॉलम की हाइट को तो ये निकले ठीक 760 mm, वो भी हर बार। अब इसके कारण टॉर्सिली ने यह बताया कि बर्तन में भरी मरकरी पर एटमॉस्फेयर के द्वारा लगाया गया दबाव और ट्यूब के अंदर की मरकरी का वजन 760 mm कॉलम की हाइट पर बराबर हो गया, यानी बन गया दुनिया का पहला बैरोमीटर। अब लेकर इसे पास्कल चढ़ गए पहाड़ पर, क्योंकि था पहाड़ पर एयर प्रेशर कम तो बढ़ना चाहिए था ट्यूब के अंदर वैक्यूम कॉलम, और हुआ बिल्कुल वैसा ही, गिर गया मरकरी का लेवल। और अब इसी की सहायता से सी लेवल के ऊपर की चीजों की हाइट नापी जाती है बैरोमीटर, जिसमें बैरो यानी बैरोस यानी वजन और मीटर का मतलब होता है नापना। प्रेशर की ऐसा यूनिट क्या है बता दो कमेंट में।